नमस्कार, साउथ इंडियन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की पहली खबर, अरुणाचल प्रदेश से 2 सितंबर को लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत को सौंप दिया है। आज की दूसरी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जुड़ा एक कार्टून शेयर करने पर मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई की गई। इससे राजनीति गरमाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यह बर्दाश्त नहीं। आज की तीसरी खबर, यात्रा के दौरान वीडियोग्राफी करने पर एयरलाइन को 2 सप्ताह के लिए निलंबित किया जाएगा, DGCA ने कहा। आज की चौथी खबर, अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ कुछ न हो पाए, तालिबान के साथ बातचीत पर बोले जयशंकर। आज की पांचवी खबर, इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए बहरीन ने किया शांति समझौता, ट्रंप ने की इसकी घोषणा। जूस मुस्लिम भाई भाई, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज की छठी खबर, कोरोना के जंग में पाकिस्तान की तारीफ, WHO के चीफ बोले, दुनिया को इस देश से सीखना चाहिए, इमरान खान हुए खुश। आज की सातवीं खबर, रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई Sputnik V वैक्सीन की पहली खेप को देश के विभिन्न इलाकों में वितरण के लिए भेज दिया है। आज की आठवीं खबर, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज की शुरुआत, 18 सितंबर से 1 रुपए में फ्री बुक कर पाएंगे सामान, 18 सितंबर से। आज की नवी खबर, ड्रग्स के मामले में NCB अब करेगी करण जौहर की पार्टी के पुराने वीडियो की जांच, रिया चक्रवर्ती ने लिया है 25 सेलिब्रिटीज के नाम। आज की दसवीं खबर, ईरान के चैंपियन रेसलर नावीद अफकारी को दी गई फांसी, डोनाल्ड ट्रंप की अपील बेअसर। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।